मॉर्निंग. क्या नाम है आपका? प्रज्ञा. और कहाँ से आती हैं आप? लखनऊ से. लखनऊ से, ओके. इससे पहले कभी कार ट्राई किया आपने? नेवर. सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ. गाइस, आज मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट हैं, आज इनका फर्स्ट डे है. और इससे पहले कोई भी कार आपने ट्राई नहीं किया? स्कूटी चला लेती हैं? yes. वैसे क्या करती हैं आप? आई एम मेडिकल स्टूडेंट. ओके. और तो आज इनका फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे के हिसाब से मैं पहले इनको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कार को चलाने से पहले हमें किन किन चीज़ों को पहले समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, ताकि रोड पर कार को निकालें तो दिक्कत ना आए. सबसे पहले कंट्रोलिंग होता है क्लच एंड ब्रेक का और स्टीयरिंग का कमांड, तो बात कर लेते हैं उसके बारे में. सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके. क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग कॉन्फिडेंस होता है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो. किसी को हफ्ते में आता है, किसी को एक महीना भी लग जाता है. वो डिपेंड करता है उसके कंट्रोलिंग पे, क्योंकि ये माइंड का गेम है, नॉट एजुकेशन. तो आप रेडी हैं? yes. आपकी हाइट कितनी है? 5'6". ओके. तो सबसे पहले तो आप अपनी सीट एडजस्ट कर लीजिए. यहाँ पे एक रॉड है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ये देखो दिख रहा है. हाँ, इसको ऊपर उठाइए पूरा. हाँ, आप सीट, आप एक बार क्लच को पुश करके देखी ले. स्लीपर अपने पीछे कर दीजिए, पीछे खिसका दीजिए. ठीक है, अभी क्लच को पुश करके देखो पूरा. अब हील को वहीं दबा के रखो और टो को ऊपर आने दो. ठीक है, कंफर्टेबल है? हर बार पैर ऊपर खिसक जाता है, हर बार आपको सही पोजीशन पे रखना पड़ेगा. हल्का सा पीछे करो पैर, हल्का सा. यस, ये पॉइंट होना चाहिए जो अभी है. आपका थंब और थंब के बगल वाली फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर, इससे आपको पैंडल, अभी मैंने बगर शूज बगर स्लीपर के इसलिए चलवा रहा हूँ क्योंकि आपको तीनों पैंडल में टच फील आ जाएगा कि एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच का रोल है क्या. अगर आप शूज़ पहन के चलाती तो साइड ग्रिप बहुत अच्छी बनती है चलाने में, बट वो फील नहीं आता. आप ग्लव्स पहन के कभी टच फोन चला सकते हैं? नहीं, नहीं चलेगा. तो इसलिए स्टार्टिंग के दो तीन दिन आपको विदाउट शूज विदाउट स्लीपर, राइट वाला पैर ब्रेक पर लेके आओ, बीच वाला पैंडल जो ब्रेक है. ठीक है, अभी हील को वहीं रखो, टो को लेके जाओ, एक्सेलेटर वी शेप में पैर चलेगा. गुड. फिर ब्रेक पे, फिर एक्सेलेटर, फिर ब्रेक. ये ऐसे जितनी बार भी आपको एक्सेलेटर टू ब्रेक जाना है, बट आपकी एड़ी नहीं उठेगी, टो ही जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? ये एक्सेलेटर का जो रोल होता है वो स्पीड करना होता है. स्कूटी चला लेती हैं आप? ओके. तो एक्सेलेटर का रोल होता है स्पीड करना, ब्रेक का काम होता है कार को रोकना, क्लच का काम होता है किसी भी गियर में अगर क्लच दबा लेती है तो इंजन फ्री हो जाता है. गियर और इंजन का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, ये राइट वाला साइड में रह रहा है आपका, एक बार देख लो प्रॉपर, दिख रहा है आपको? yes. जिस डायरेक्शन में आप बैठी हो उसी पे दिख रहा है. ये लेफ्ट वाला है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? बंदा एक आ रहा है ना लेफ्ट में, वो भी दिख रहा है. और कार के बगल में और इस जो ये आपका डिवाइडर है, इससे कितना डिस्टेंस है? 1.5 से 2 फीट. वो अभी कार में बैठे ना, इसलिए अंदाज़ा नहीं लगता. फ्लैग को देखो, फ्लैग वाले रॉड को देखो, उससे पता चल रहा है कुछ? yes. आपका लेफ्ट वाला टायर किस पोजीशन पे है? वाइट लाइन से लगभग मुझे लग रहा है 1 फीट अंदर है. yes. ये देखो, यहाँ पे देखोगे आपको एक्चुअल क्लियर पता चल जाएगा. yes, गाड़ी का जो टायर है वो वाइट लाइन से 1 फीट इस साइड बाहर, राइट साइड. अगर यहाँ फ्लैग रॉड को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो लेफ्ट वाला टायर है वो वाइट लाइन से अंदर है, ऐसा फील हो रहा है ना. ठीक है, राइट और लेफ्ट. और ये लुकिंग ग्लास है, इसमें आपको बैक साइड दिखेगा. इसको अपनी डायरेक्शन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, अपनी हाइट के हिसाब से. क्योंकि फ्रंट में जब हम कार चलाते हैं तो फ्रंट में तो हमारी नज़र जाती है, लेकिन फ्रंट के साथ साथ हमें बैक साइड का भी अंदाज़ा रखना होता है. उसके लिए राइट वाला और ये लेफ्ट वाला और ये लुकिंग ग्लास मिरर होता है. अभी आप सीट बेल्ट डालिए शोल्डर के ऊपर से. सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी क्या है ना, जितनी भी चाहे जितनी कॉस्टली कार में आप बैठ जाओ, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो एयरबैग कभी नहीं खुलेगा, वो सेंसर से कनेक्ट होता है. ठीक है, एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच, ये स्टीयरिंग 3 और 9 पे पकड़ना. ये है होंडई की सेंट्रो कार. ठीक है, पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक. इसकी लंबाई जो है 12 से 12.5 फीट है, चौड़ाई जो है वो इस पिलर से और इस पिलर के बीच का 5.5 फीट है, बट 1 फीट ये बाहर निकला है साइड मिरर, तो हमको 8 फीट जगह चाहिए इसको चलाने के लिए. ठीक है, और ये आपका गाड़ी का हॉर्न है,
ये स्टीयरिंग को 3 और 9 पे पकड़ना भी स्टीयरिंग हार्ड है। जैसे भी इंजन ऑन करोगे ना स्टीयरिंग स्मूथ हो जाएगा। पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक तभी काम करता है जब इंजन ऑन होता है, ठीक है। ये आपका स्पीड मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है, ये फ्यूल। ये भी चारों इंडिकेटर मैंने इसलिए जला रखे क्योंकि हम लोग फ्लाईओवर पे खड़े हुए हैं, ठीक है। और पीछे से ट्रैफिक जो आ रहा होगा, जो भी गाड़ी है, उनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी रुकी हुई है। इसलिए इसको हजारा स्विच बोलते हैं। बारिश में, कोहरे में और रात में इसको ऑन करके हम चला सकते हैं। इसको इसके कई इंडिकेशन है, संकेत है। सामने वाला ये भी समझ सकता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है या गाड़ी रुकी हुई है या बंदा सीख रहा है, कई इंडिकेशन है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से बंद कर दिया। अभी इग्निशन ऑन करिए, आप की को घुमाइए हाफ, ठीक है। अभी देखो इग्निशन लाइटें आ गई रेड कलर की, रेड कलर की तीन लाइटें आई। सबसे पहली वाली जो वो हैंड ब्रेक की है, सेकंड वाली प्लस माइनस वाली वो अल्टरनेटर की है, थर्ड वाली जो इंजन ऑयल की है। अभी आपने यहाँ पे हैंड ब्रेक डाल रखा है, देखो हैंड ब्रेक, इसको पकड़ो हैंड ब्रेक को। हाँ, इसको डाउन करने के लिए पहले ऊपर उठाओ, फिर बटन को पुश करो, उठाते हुए बटन को पुश करो। हाँ, अब नीचे ले जाओ, ये डाउन, ठीक है, अनलॉक हो गई। लॉक करने के लिए बटन नहीं पुश करना, ऐसे ही ऊपर उठा दो, ठीक है, लॉक हो गई। फिर अनलॉक करो। हाँ, अभी जैसे कि यहाँ देखो तीन लाइटें आ रही हैं, ठीक है। अभी क्लच दबा के इंजन ऑन करो। ऑन करो, थोड़ा लंबा सेल्फ लो, छोड़ो, ऑन हो गया। अभी देखो यहाँ जो तीन लाइटें आ रही थी गायब हो गई। तीनों में से कोई लाइट नहीं आ रही है। अगर वो उनमें से तीनों में से कोई भी लाइट आ जाए तो इसका मतलब वो फॉल्ट है। अगर पहली वाली लाइट आ गई तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज है, प्रॉपर ब्रेक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको उसको चेक कराना। सेकंड वाली प्लस माइनस वाली आ गई लाइट इंजन ऑन पे, तो इसका मतलब जो आपका अल्टरनेटर है जो बैटरी को चार्ज करता है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो रात में चलाने में दिक्कत आएगी। ज़्यादा सेल्फ मारोगे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर वो थर्ड वाली लाइट आ गई तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कहीं से लीकेज है या कम है, तो उसको टॉप ऑफ करा लें। अभी ये हैंड ब्रेक लगाइए, ठीक है। अभी देखो एक लाइट आ गई वहाँ पे, आ गई हैंड ब्रेक की। तो अब आपने हैंड ब्रेक ऑन किया तो उसका संकेत दिखा रहा है कि हैंड ब्रेक लगा है। अगर हैंड ब्रेक लगा नहीं है उसके बाद ये लाइट आ गई तो इसका मतलब ब्रेक ऑयल कम है, ठीक है। अभी उसको डाउन कर दो, ऊपर उठा के, फिर लॉक होता है ना। हाँ ठीक, इसको बोलते हैं इंडिकेटर लीवर। इसको ऊपर की तरफ करो, ये लेफ्ट का सिग्नल हो गया, ठीक है, हो गया। अभी स्टीयरिंग को लेफ्ट टर्न करो, घुमाओ लेफ्ट और घुमाओ, और अब राइट घुमाओ वापस, ऑटो कट हो गया, देखा सिग्नल ऑटो कट हो गया। अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को। हाँ, अभी राइट स्टीयरिंग टर्न करो, अब वापस लेफ्ट काटो, ऑटो कट हो गया। तो सिग्नल जब आप टर्निंग पॉइंट पे देते हो तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको देना होता। अगर सीधा सीधा सिग्नल दोगे तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अप करो, लेफ्ट का करो, नहीं वो उसी को सिग्नल को, अभी सिग्नल नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ये लेफ्ट का हो गया। अब नीचे राइट का दो, ठीक है, बीच में ऑफ कर दो, बीचों बीच में ऑफ। अभी उसी लट्टू को आगे घुमाओ, जो लट्टू लगा है उसको आगे की तरफ ऐसे करो। अब ये पार्किंग लाइट जल गई है एक बार और, अब ये हेडलाइट ऑन हो गई है, ठीक है। और उसी को नीचे पुश कर दो लीवर को ऐसे करके, ये हाई बीम हो गया है। दूर वाली दो पॉइंट होते, एक लो बीम एक हाई बीम। अभी मिडिल पे ले आओ जहाँ पे था, अब ये लो बीम हो गया। ऊपर उठाओ इसको, ऐसे नहीं, ऐसे की तरफ, ऐसे, ये देखो एक फिंगर लगाओ, फर्स्ट फिंगर, ए देख रहे हैं, ये पासिंग डिपर होता है। जरा पुश करो, यहाँ देखो एक लाइट भी आती है इंडिकेशन के लिए, छोड़ो करो, ये देखो आ रही, ठीक है। ये दिन में अभी हेडलाइट बंद कर दो एक बार और, अब पासिंग डिपर दो, ये देखो लाइट आ रही, ठीक है, छोड़ दो। इससे वाइपर चलता है, इसको वन टाइम, अगर आपको ग्लास को क्लीन करना है वन टाइम तो वाटर के साथ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको ऐसे इधर देखो, ये मैंने इसको पुश करके रख रखा है तो वाटर भी निकल रहा है और वाइपर भी चल रहा है। सपोज करो मुझे वाटर नहीं चाहिए, ओनली वाइपर ही चलाना, तो उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं। इसको एक पॉइंट पे कर दिया तो अभी धीरे धीरे स्लो मोशन में वाइपर चलेगा, और फास्ट चलाना तो दो नंबर पे कर दिया, और बहुत तेज़ बारिश हो रही तो तीन नंबर पे कर दिया, ठीक है। फास्ट चल रहा है, बहुत तेज़ बारिश, अगर हम बैक साइड वाइपर चलाना है तो ये देखो इसको है इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको वापस ऐसे घुमा दिया। अभी बैक वाला वाइपर चालू हो गया, देखो, ठीक है, बैक वाला, ये वापस ऑफ कर दिया, ठीक है, हो गया। अभी आ जाते हैं हम लोग गियर पैटर्न पे।
इसको बोलते हैं गियर। इसमें लग रहा है कि एक ही है लेकिन इसमें छः गियर हैं। राइट वाला लैग आपका ब्रेक पे होना चाहिए, ब्रेक पे। हाँ, फ्री नहीं रख सकते। अब इसको फ्री कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं अभी, मैं बताता हूँ। पहले देखो, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स छः गियर हैं। तो अभी ये किसी भी गियर में नहीं, न्यूट्रल। ये जो पूरी लाइन है ये बीच वाली, ये न्यूट्रल की, ये अगर यहाँ यहाँ फ्री है तो ये न्यूट्रल है। अभी पूरा क्लच दबाओ फुल आप। हाँ, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो। तो अब इसको मेरी तरफ लेके आओ, ऊपर जाओ। ये फर्स्ट गियर हो गया, छोड़ दो, ठीक है। अभी क्लच दबा के रखना, अगर क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी चल जाएगी। फिर वापस इसको न्यूट्रल करना, तो लेफ्ट ही दबा के हल्का पीछे, बीच में ये। अब ये फ्री हुआ, अब फ्री इसका मतलब न्यूट्रल है। अब लेफ्ट लेके आओ, इसको डाउन करो। ये सेकंड गियर हो गया, ठीक है। फिर न्यूट्रल के लिए हल्का सा ऊपर जाना होता है, ज़्यादा नहीं। फिर न्यूट्रल करो, अभी छोड़ दो उसको। जहाँ पे रुक गया बस उसी पे अपोजिट में एकदम सेंटर में जाओ, ऊपर ऊपर। ये थर्ड गियर हो गया, फिर डाउन करो। ये फोर्थ गियर हो गया, फिर बीच में लेके आओ, बीच में ये। अब पूरा राइट पुश करो, अब ऊपर जाओ। ये फिफ्थ गियर हो गया, फिर डाउन करो, न्यूट्रल करो। न्यूट्रल बीच में होता है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल ये है न्यूट्रल। अभी पूरा राइट ले जाओ, फुल राइट। अब पीछे करो, नहीं हुआ, राइट ले जाओ पूरा फुल। ये बैक गियर हो गया, ठीक है। फिर न्यूट्रल करो, बस छोड़ दो। अभी किसी भी गियर में नहीं, फर्स्ट गियर की जो स्पीड, गाड़ी को कभी भी खड़ी गाड़ी को आपको अगर बढ़ाना है तो फर्स्ट गियर कंपलसरी है। रोका किसी भी गियर में जा सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी गियर में। बट अगर फर्स्ट टाइम कार को आप मूव कर रहे हो तो जीरो, जैसे आपने स्कूटी चलाई है तो स्कूटी में अगर एक्सेलेटर को प्रॉपर तरीके से छोड़ देते हो तो क्या स्कूटी चलेगी? लेकिन कार चलती है। कार में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर में कार बिना एक्सेलेटर के जीरो आरपीएम पे मूव करती है, ठीक है। तो पहले गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20, फर्स्ट गियर में आप 10 से 20 तक चल सकते हैं। 20 जैसे क्रॉस करेंगे वैसे आपको सेकंड गियर डालना होगा। सेकंड गियर में आप 20 से 30 तक चल सकते हैं, जैसे 30 क्रॉस करेंगे तो आपको थर्ड गियर डालना होगा। थर्ड गियर में आप 30 टू 40 चल सकते हैं, और 40 जैसे क्रॉस करेंगे तो फोर्थ गियर डालना होगा, और फोर्थ गियर 40 से 60 चल सकते हैं। जैसे हाईवे पे चल रहे हैं 60 प्लस, तो आपको फिफ्थ गियर टॉप गियर होता है। अभी तो 56 गियर, 7 गियर भी आ गए हैं। वापस जैसे आप जा रहे हो फिफ्थ गियर में, आप 60 अब जा रहे थे और अचानक सामने कोई जानवर या कुछ भी आ गया, आपने पूरा क्लच लेके, ब्रेक लेके गाड़ी को स्टॉप कर दिया। अब वापस आपको कौन से गियर में आना है? अगर गाड़ी आपकी वापस स्टॉप हो गई है, फिफ्थ गियर में आप जा रही थी, तो अब कौन से गियर में आप जाओगे? फर्स्ट गियर में। डायरेक्टली आपको मूव करना, अगर रोक के गाड़ी बढ़ाना तो फर्स्ट गियर, और अगर वैसे जाना तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके। रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर में एक्सेलेटर की नीड नहीं होती। स्टीयरिंग को 3 और 9 पे पकड़ो, क्लॉक टाइम, जो वॉच टाइम होता है, और उसको बहुत लाइट पकड़ना है, ठीक है। ये जो फ्लैग लगा है वो एज ए जजमेंट के लिए लगा, इससे आपको ये पता चलेगा गाड़ी का बोनट कहाँ है। फ्लैग से 1 से 1.5 फीट गाड़ी आगे निकली है और फ्लैग से लेफ्ट साइड में भी है। अभी आप फर्स्ट गियर डालो, ठीक है। अभी हाफ क्लच छोड़ना, फुल नहीं, हाफ बस। हाँ, गाड़ी मूव कर गई हाफ क्लच पे। अभी वापस क्लच दबा लो पूरा। हाँ, हल्का राइट ही रखना, क्योंकि ज़्यादा इधर नहीं जानी चाहिए ना। रुक गई गाड़ी, अभी आपने ब्रेक तो लगाया नहीं, क्लच दबाया, क्योंकि गाड़ी आपकी थोड़ी सी सिर्फ खिसकी थी लगभग 1 मीटर, और वापस आपने पूरा क्लच फिर दबा लिया तो गियर का और इंजन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। गियर में गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने क्लच नहीं छोड़ा है। जितनी देर आप पूरा क्लच दबा के रखोगे गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। फर्स्ट गियर में अगर आप हो और हाफ क्लच छोड़ोगे, हाफ क्लच का मतलब ये होता है कि उतना क्लच छोड़ना है जितने में गाड़ी गियर में एक्टिव हो, ना कि दौड़े, ठीक है। चलो अभी हाफ क्लच छोड़ो, ये गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, ठीक है। और फर्स्ट गियर में कभी भी फुल क्लच नहीं रिलीज करना होता है। अभी वापस फिर पूरा क्लच दबा लो, अब धीरे से ब्रेक ले लो। गुड। अभी जैसे सपोज करो हमको जल्दी रोकना था तो ब्रेक ले लिया, अगर हम सिर्फ क्लच से रोकते तो थोड़ा गाड़ी और आगे जाके रुकती, ठीक है। अभी ब्रेक को फ्री करो, पूरा पैर नहीं उठाना है, मैंने बोला ना एडी एक जगह फिक्स रहनी चाहिए, ठीक है। अभी क्लच को फिर वापस रिलीज करो, अपने इस बार झटके से छोड़ दिया, एड़ी भी आपकी हवा में आ गई जिसकी वजह से इंजन बुझ गया, क्लच दबा के इंजन ऑन होगा। एड़ी को एकदम नीचे सटा के रखना है, एड़ी में आपकी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, वो हवा में नहीं आना चाहिए। जो आपकी एड़ी है वो हमेशा मैट पे टच रहनी चाहिए, क्योंकि क्लच को दबाने में ताकत लगाना पड़ता है और रिलीज़ करने में ऑलरेडी उसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि वो अपने आप ऊपर आ जाता है। चलो अभी क्लच को छोड़ो हाफ, बस
अभी क्लच पूरा रिलीज कर दो, हाँ छोड़ दो पूरा, अभी प्रॉपर तरीके से गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो चुकी है और गाड़ी लेफ्ट ही रखना, राइट नहीं जाना है, ठीक है। ये फर्स्ट गियर में चल रही है बिना एक्सीलेटर, आपने कोई एक्सीलेटर दिया नहीं दिया, विदाउट एक्सीलेटर फर्स्ट गियर में और रिवर्स गियर में अभी कार आपकी मूव कर गई है ना, तो अभी आप एक काम कर सकती हैं, जल्दी से क्लच दबा के सेकंड गियर डालो, फटाफट फटाफट सेकंड गियर डालो, जल्दी से फटाफट छोड़ो क्लच छोड़ो। हालांकि आपने थोड़ा टाइम ले लिया गियर डालने में, लेकिन फिर भी अभी क्लच और ब्रेक को दोनों को रिलीज करो, प्रॉपर पैर हटा लो, वहाँ से पैर ही हटा लो, नीचे रखो और गाड़ी लेफ्ट ही रखना। अभी गाड़ी कौन से गियर में है? सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है? 20 to 30 मिनिमम, 20 मैक्सिमम 30, बट अभी आपकी सेकंड गियर में गाड़ी और विदाउट एक्सीलेटर चल रही है क्योंकि आपने सेकंड गियर डाल दिया। अब यहाँ पे आ रही ढलान, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सीलेटर तो आपने दिया नहीं, अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ, लेफ्ट वाला क्लच पे ले आओ, ठीक है, हल्का लेफ्ट ही रखो, ज़्यादा राइट, इस वाइट लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है जो राइट वाली, क्योंकि फास्ट गाड़ी जो पीछे से आएगी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, अगर आप बीच में चलाओगे तो पीछे से जो भी आएगा वो आपको हॉर्न बजा के डिस्टर्ब करेगा। और आपको इधर लेफ्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके लेफ्ट में जो ये जगह छूट रही है ये कितनी जगह है, कैसे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे लेफ्ट में कितनी जगह, क्योंकि राइट में तो ऑलरेडी आप बैठी हैं, राइट वाले मिरर को नहीं भी देखेंगी तो भी आपकी नज़र जाएगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट वाले मिरर को नहीं देखेंगी तो आपकी नज़र नहीं जाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी है लेफ्ट साइड देखना, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जाने दो धीरे धीरे, हाँ अब जिसे ये बंदा लेफ्ट में जा रहा है इसको बचाने की पूरी पूरी आपकी जिम्मेदारी, तो इसको एक बार हॉर्न देना, हॉर्न देखो, वैसे तो हॉर्न गाली होती है, इंडिया से बाहर कई कंट्रीज हैं जहाँ पे कोई बजाते ही नहीं, फाइन हो जाता, पर अगर यहाँ नहीं बजाओगे तो लोग बोनेट पे बैठ जाएंगे। मैडम खड़ी, पूरा क्लच लो धीरे से ब्रेक, फुल क्लच धीरे से ब्रेक, हाँ इनको पीछे बिठा लेना है, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ हल्का सा, हाँ अब इसको फर्स्ट गियर में जी, हाँ हमको दे दो, उधर से आ गए, चलो आ जाइए, गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, बड़े बड़े लोगों को सिखाया, चलो छोड़ो, पहले ब्रेक छोड़ो, पहले ब्रेक जाओ, हाँ अभी मैं आज ना सिर्फ आपको कंट्रोलिंग करा रहा हूँ, चलवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ गाड़ी को स्टॉप करना रोकना बता रहा हूँ कि गाड़ी को मूव कैसे करना रोकना कैसे है, जब तक आपको कंट्रोलिंग नहीं समझ, अभी मैं फर्स्ट थर्ड फोर्थ में चलवा दूंगा कोई, लेकिन उसका कोई सबसे इंपॉर्टेंट है कार को रोकना और बढ़ाना, हमें ये पता चले किस गियर में रोकना है और किस गियर में बढ़ाना है। अभी गाड़ी को लेफ्ट लेके आओ हल्का सा, और अभी यहाँ पे स्टॉप करना है, पूरा क्लच देन ब्रेक, ब्रेक हल्के से क्योंकि पावर ब्रेक होता है, ठीक है, अभी इसको न्यूट्रल करो प्रॉपर हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। एक चीज़ देखो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान, जब मैंने अभी आपसे कहा था कि फटाफट सेकंड गियर डालो, तो ये फर्स्ट गियर था ना, आपने ऐसे करके ऐसे खींचा था, अब ये कौन सा गियर जाएगा, ये कौन सा है, फोर्थ गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है, 40 to 50 मिनिमम 40 मैक्सिमम 60, तो अभी फोर्थ गियर में गाड़ी कैसे मूव कर जाएगी नहीं करेगी, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना, ये जैसे आप कंप्यूटर का माउस यूज़ करते हो ना, गलत साइड क्लिक हो जाएगा तो क्या होगा, गलत फाइल खुल जाएगी, तो इस तरीके से ये चीज़ है, इसकी डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये फर्स्ट और सेकंड की आमने सामने, फर्स्ट और सेकंड में आप आमने सामने जा सकते हो, बट सेकंड से थर्ड के लिए ये उल्टा एल बनाना, ये डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो ये और ये फर्क हो गया ना, बीच में गैपिंग है, तो ये थर्ड हो गया, उसी के अपोजिट फोर्थ है, फोर्थ में थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जा सकते हो, फिर आपको सेकंड के लिए फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ये फिर ये, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ के लिए ये और रिवर्स के लिए ये, तो ये समझना पड़ेगा, इसका आप एक बार वीडियोस देख लेना या इसका ड्राइंग बना लेना, ठीक है। अभी वापस फर्स्ट गियर करो, हाँ पहले ब्रेक को प्रॉपर रिलीज करो प्रॉपर, हाँ अभी क्लच को रिलीज करो हाफ, एडी को नीचे दबा के रखना, एडी को उठने नहीं देना है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ रखा है, वेलकम फिल्म ज़्यादा देखी है क्या आपने, स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ते हैं, लेफ्ट आओ हल्का सा, इसी लाइन में रखो क्योंकि हमें रोकना और बढ़ाना है ना, तो पीछे वाला हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अभी क्लच को पूरी तरीके से रिलीज़ करो, ठीक है, अभी राइट वाला लेग एक्सेलेटर पर लेके जाओ,
पूरा पैर नहीं उठना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। आओ हल्का लेफ्ट आओ, चलो जाओ हल्की रेस करो, हल्का सा एक्सेलेटर लो, चलो 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 घबराओ मत, और चलो लेफ्ट आओ, चलो जाओ स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, हाँ और बढ़ाओ 20 के आसपास जाओ, और 20 को क्रॉस करो। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, ब्रेक दबाना नहीं, क्लच दबा के फटाफट सेकंड गियर, फटाफट लेफ्ट लाके फटाफट लेफ्ट दबाओ और खींचो, वेरी गुड। छोड़ो क्लच, अभी क्लच जल्दी छोड़ सकती हूँ, फर्स्ट गियर में धीरे धीरे क्लच छोड़ना, सेकंड गियर में 2 सेकंड के अंदर आप क्लच को रिलीज कर सकते हो, ठीक है। चलो क्लच अब छोड़ दो, लाइन नहीं चेंज करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, हाँ और बढ़ाओ, हाँ ठीक है। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेंटर में थर्ड गियर, क्लच दबाओ सेंटर में थर्ड गियर, ऊपर जाओ, ऊपर हो गया, छोड़ो। बट आज जब गियर चेंज किया जाता है ना, क्लच छोड़ो, जब गियर चेंज किया जाता है तो राइट वाला हाथ आपका यहाँ पे 12 o'clock पे इस पॉइंट पे आना चाहिए, जहाँ पे वॉच में 12 लिखा होता है, इसलिए क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड से गियर खींच रही होती तो राइट वाला भी मूवमेंट में आ जाता है, जो अभी आपकी स्टीयरिंग लहराई थी, ठीक है। तो जब आप बीच में हाथ को रखोगे तो स्टीयरिंग लहराएगी नहीं, और राइट वाला पैर भी ब्रेक पे इसलिए लाना होता है कि जब लेफ्ट हैंड लेफ्ट वाले पैर से आप क्लच दबा रही होती तो राइट वाला भी मूवमेंट में आ जाता है, तो दब जाएगा एक्सीलेटर। अभी क्लच को फ्री करो, अभी 30 की स्पीड में जाओ, स्टीयरिंग को जितना लाइट पकड़ोगी ना उतना अच्छा कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। अभी हल्का लेफ्ट आओ, साइड मिरर दोनों चेक करो और गाड़ी रोकना है, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप करना है, फुल क्लच और ब्रेक स्टॉप, हाँ स्टॉप करो, हाँ बस रोक दी। अब देखो आपने क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, गाड़ी कौन से गियर में है? थर्ड गियर में। गाड़ी को रोका किसी भी गियर में जा सकता है, ठीक है। वापस अब बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट गियर, क्योंकि थर्ड गियर में गाड़ी रोकी जा सकती है, फोर्थ में रोकी जा सकती है, क्योंकि थर्ड गियर की मिनिमम स्पीड स्टार्ट होती है 30 से, गाड़ी हो चुकी 0 की स्पीड में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है कोई भी गाड़ी। तो अभी आप फर्स्ट गियर करिए, गुड। अभी पहले क्या रिलीज करेंगी? ब्रेक। ब्रेक दबा होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, पहले प्रॉपर ब्रेक छोड़ेंगी, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगी, और कार को बढ़ाते वक्त आपको दोनों मिरर में चेक कर लेना है, और रोकते टाइम भी मिरर देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ रोकने का कोई रीजन नहीं है तो पीछे वाला ठोक देगा फिर, समझ रहे हैं। चलो अभी हाफ क्लच छोड़ो, एड़ियों को चिपका के रखना नीचे, सारा गेम क्लच, 90% गाड़ी को सीखने का मतलब स्टीयरिंग का कमांड और पैंडल का, बाकी चीज़ें तो डे वाइज डे अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है ना, तो स्पीड ब्रेकर पे क्या करना होता है, हाफ क्लच लेके हल्का सा इशारा ब्रेक ले लो, गाड़ी निकल जाएगी, है ना। चलो अभी निकालो, हल्का एक्सेलेटर लो, जाने दो, अभी रेस करो, हाँ। और जब भी आप एक्सेलेटर करोगे ना तो आपका क्लच पूरी तरीके से रिलीज होना चाहिए, अगर क्लच दबा है और एक्सेलेटर आप दे रही हैं तो गाड़ी की क्लच प्लेटें जल जाएंगी, ठीक है। चलो बढ़ाओ स्पीड, हाँ अभी लेफ्ट वाली लाइन में आ जाना है, और जब भी आप लाइन चेंज करोगे ना, लेफ्ट से राइट, राइट से राइट जाना है, क्योंकि ये 6 लाइन का रोड है, तो आपको सिग्नल देना कंपलसरी। अभी सेकंड गियर डालो, देखो इंजन वाइब्रेट कर रहा है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबाओ पूरा फुल, गियर चेंज करो, हाँ ठीक है। स्टीयरिंग इतना हार्ड क्यों पकड़ रखा था राइट हैंड से आपने, और 12 o'clock पे भी आपका हाथ नहीं आया था, ठीक है। चलो कोई नहीं, फर्स्ट डे है, और लहराइए, देखो एकदम लेफ्ट वाली लाइन से राइट वाले में पहुँच गए ना। चलो अभी क्लच को रिलीज करो, स्टीयरिंग को सीधा रखो, सीधा, हाँ बहुत लाइट पकड़ो, छोड़ दो जरा स्टीयरिंग, छोड़ दो, दोनों हाथ हटा लो, पकड़ना नहीं, छोड़ दो। अब अपने लेग पे उस पर रखो, पे हाथ रखो, नीचे, हाँ छोड़ दो। अभी जा रही है हल्का सा राइट, क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें राइट वाले टायर में हवा कम है, हल्का लेफ्ट आओ, बताता हूँ। देखो अगर 30, 40, 50 की स्पीड में आपने स्टीयरिंग को छोड़ दिया, और स्टीयरिंग एक साइड तुरंत छोड़ते भाग रही, तो इसका मतलब या तो आपकी गाड़ी में हवा कम है अगले व्हील में, या आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है, अलाइनमेंट से टायर खत्म हो जाते, बहुत जल्दी घिस जाता है। तो इसमें से दो कंडीशन, अगर प्लेन रोड है, जैसे ये रोड है प्लेन है, और इस पर अगर हमने छोड़ दिया और स्टीयरिंग एकदम सीधा जा रही 50 meters/100 में, इसका मतलब आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट ओके और दोनों टायरों में हवा बराबर है। अगर किसी भी टायर में, मान लो किसी में वैसे नॉर्मल 32 एयर रखी जाती है, जब मैक्सिमम आप 35 रख सकते हो, वैसे 32 रखी जाती है, जो टैक्सी वाले ट्रेवल्स वाले होते हैं वो 35 रखते हैं। अगर एक में 40 है, एक में 35 है, तो भी गाड़ी लहराएगी, एक साइड भागेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं फिर हम बोलते ही जा रहे हैं। और चलो हल्का रेस ले लो, फर्स्ट डे के हिसाब से अच्छा चला, इससे पहले कभी आपने कार नहीं चलाई, फर्स्ट टाइम है, चलो ठीक है। अभी जैसे सपोज करो आपको रोकना है, तो रोकने के लिए पहले लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ
हो गया सिग्नल, नहीं हुआ, ठीक है, अभी पहले पूरा क्लच दबाना है, फिर धीरे से ब्रेक, धीरे से, झटका नहीं लगना चाहिए, अभी न्यूट्रल करो गाड़ी को प्रॉपर, ठीक है, हो गया, अभी दोनों पैर छोड़ दो, हटा लो वहाँ से, ठीक है, फ्री कर दो, अभी राइट वाले मिरर को चेक करो, कोई है तो नहीं आपके अगल बगल, अब लेफ्ट वाले को चेक करो, अब पूरा क्लच दबाओ फुल, और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, ब्रेक पे रखो, अब इसको रिवर्स गियर में डालो, बैक गियर, पूरा राइट ले जाके फिर पीछे खींचना है, हो गया, अभी आपको क्या करना है, सिग्नल बंद कर दो, सिग्नल, हाँ, अब अपने राइट वाली लाइन को देखो जरा, ये वाइट लाइन जो ये दिख रही ना, गाड़ी इसके अंदर है बाहर है, अंदर है, अंदर है, अभी हाफ क्लच छोड़ना है आपको, फुल नहीं, बस, नज़र कहाँ है आपकी, अभी जब आपने गाड़ी बैक करी तो आपकी नज़र कहाँ थी, सच सच बताना, फ्रंट में थी, और होनी कहाँ चाहिए थी, साइड मिरर या ये लुकिंग ग्लास, इससे भी आपको पता चलता है, ठीक है, क्योंकि पीछे का अंदाज़ा, अभी अब जब बैक में जा रहे हो तो फ्रंट से कोई मतलब ही नहीं है, चलो जाओ, 10 मीटर बढ़ाना, फिर रोकना, फिर बढ़ाना, फिर रोकना, विदाउट एक्सेलेटर फर्स्ट 10 सेकेंड एंड रिवर्स गियर में कार को मूव किया जा सकता, कोई भी गाड़ी हो, झटका नहीं आना चाहिए, जर्किंग नहीं आना चाहिए, स्टॉप, देखो ज़्यादा ब्रेक दबा दिया, और ये राइट वाले हाथ को आपने ऐसे पकड़ रखा है ना, जैसे कोई लग रहा है छीन के भग जाएगा आपको स्टीयरिंग, ऐसे नहीं पकड़ना, इसको ऐसे पकड़ना है, हाथ हटाओ, ये ऐसे रखा जाता है, ये स्टीयरिंग जो है ना, इसको ग्रिप नहीं, इसको अगर आप इसको कस लोगे ना तो ये चलेगी नहीं, अगर आप पेन को खूब टाइट करके पकड़ोगे तो आप लिख पाओगे, तो बस इसको, रोटी बनानी आती है आपको, नहीं आती, बेलन नहीं कभी पकड़ा है, पकड़ा है ना, तो बस बेलन को कैसे पकड़ते हैं, लाइट या टाइट, अगर टाइट पकड़ोगे तो रोटी कैसी हो जाएगी, भारत का नक्शा बन जाएगा, हाँ, तो ये समझ लो कि बेलन है ये, इसको जितना लाइट पकड़ोगे उतना स्मूथ चलेगा स्टीयरिंग, ठीक है, अभी फर्स्ट गियर में करो, चलो अभी धीरे धीरे, जैसे ट्रैफिक में जाम लग जाता है ना रेड लाइट वगैरह पे, तो गाड़ी को हमने बढ़ाया फिर रोका, बढ़ाया फिर रोका, ब्रेक का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ क्लच पे, और वो भी हाफ क्लच पे, चलो खिसका लो थोड़ा सा, बस वापस फिर पूरा क्लच दबा लो, हाँ, हल्का सा ब्रेक, हल्का सा ब्रेक, गुड, वापस ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच, झटका नहीं आना चाहिए गाड़ी में ज़रा सा भी, स्टॉप, फिर बढ़ाओ, झटका नहीं आना चाहिए, जर्किंग नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी, लाइन से बाहर भी नहीं निकलना है, स्टॉप, फिर बढ़ाओ, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, चलो, जैसे ट्रैफिक में जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, रुक रुक कर बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्सेलेटर की जरूरत नहीं होती, और पूरा क्लच छोड़ने की भी जरूरत नहीं होती है, हाफ क्लच पे हमारी गाड़ी मूव कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 0 RPM पे इतना इसमें पावर होता है, फर्स्ट गियर में इतनी ताकत होती है कि अगर जो आप पुल चढ़ के आई थी ना वहाँ पे, अभी कुकरेल से पहले, तो अगर आप वहाँ पे क्लच ब्रेक से दोनों से पैर हटा लेती और फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी को, तो इतनी ताकत होती फर्स्ट गियर में कि वो उस फ्लाईओवर को क्रॉस कर जाता बिना एक्सेलेटर, सबसे ताकतवर गियर होता है वो फर्स्ट गियर और बैक गियर होता है, ठीक है, अभी लेफ्ट में रुकना है आपको, पूरा क्लच देन ब्रेक, न्यूट्रल करो गाड़ी को, हो गया, न्यूट्रल नहीं हुआ है, अभी थर्ड गियर डाल दिया, इससे पहले न्यूट्रल था, देखो न्यूट्रल चेक करने के लिए बताता हूँ, ये कैसे पता चलेगा, देखो सिंपल है, आप लोग भी देखना, ये बहुत काम आएगा, इसको गाड़ी खड़ी, हमें ये नहीं पता गाड़ी हमारी न्यूट्रल या किस गियर में, ये देखो एक बार ऊपर गए एक बार नीचे गए, बीच वाला पोजीशन न्यूट्रल है, एक बार जिस भी कंडीशन में, मान लो ये थर्ड गियर में गाड़ी मैंने बंद कर दी, यहाँ स्टॉप थी गाड़ी, हमने चेक करना है, एक बार पूरा ऊपर नहीं जा रहा, नीचे गए, और ये बीच वाला पोर्शन न्यूट्रल का है, ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है न्यूट्रल, अगर ये गियर लीवर यहाँ यहाँ फ्री है तो ये किसी भी गियर में नहीं है, ठीक है, अब जैसे ये न्यूट्रल चेक करना है आपको, न्यूट्रल चेक करो, थर्ड गियर है ये न्यूट्रल, ठीक है, चलो अभी इंजन ऑफ कर दो,
सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज मैडम का फर्स्ट डे और फर्स्ट डे के हिसाब से काफ़ी अच्छा चलाया इन्होंने, क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।